पूछता, नजारा कितना सुंदर है ना यार। हाँ शिमला तो यार शिमला ही है। और तुम्हें याद है जब प्रिया दी की शादी में हम पहली बार मिले थे? हाँ, तुम कितनी खूबसूरत लग रही थी यार, तुम्हारे ऊपर से नजर ही नहीं हट रही थी मेरी। हाँ हाँ, कैसे भूल सकती हूँ मैं वो दिन, कैसे तुम मुझे लोफरों के जैसे तार रहे थे। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि उस दिन तुम हिमाद्री के कान में क्या खुजर पुसर कर रहे थे। हिमाद्री? हाँ? वो तो बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, पर तुम कितना शक कर रही हो यार। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा मजाक कर रहे थे। मैंने तुम्हें अपने बर्थडे पे इनवाइट किया था कि नहीं? हाँ किया था, वो भी कुछ दिन बाद जब हम मॉल रोड पे मिले थे। हाँ, मगर जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था एक फूल हाथ में लेकर, हाँ समर हिल में एडवांस स्टडीज के गार्डन में, तुमने तो यार सीधा ना कर दिया था। हाँ बट तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी, बर्थडे के दूसरे दिन ही मुझे प्रपोज कर दिया था, तब तो हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं थे। तो फिर तुम बताओ, पिछले साल पूरे एक महीने तुमने मुझसे बात नहीं करी थी, क्योंकि तुम्हारी वो सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड है ताशु, उसे मैंने कहा था जब हम बात करें तो बीच में ना बोला करें बस। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी यार, और तुमने उसे नाराज किया था। यार मैं इरिटेट हो गया था, जब भी हम बात करें वो बीच में बोला करती थी। और याद है एक महीने बाद जब हम मिले थे, ताशु तुम्हारे साथ थी, उसने मुझे बोला कि देखा मुझे हर्ट करने का नतीजा। हाँ यार तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ताशु ने तो बहुत कोशिश की हमें अलग करने की, पर छोड़ो ये सब पुरानी बातें हैं। और उसके बाद मैं खुद आई थी ना तुम्हारे पास, और असली प्यार तो इसे ही कहते हैं ना, जो दूर रहकर भी कम ना हो। काश हमारे घर वाले भी हमारे प्यार को समझ पाते। अब ये सब पुरानी बातें हो गई हैं, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। बिल्कुल, अब हम हमेशा साथ रहेंगे, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहां है,